26 मई 2014 को नरेंद्र मोदी ने दिल्ली के राष्ट्रपति भवन में कदम उठाया और हिंदुस्तान के 14वें प्राइम मिनिस्टर बन गए। मैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। इस वक्त हिंदुस्तान की इकोनॉमी $2.4 trillion की थी और आज 2024 में ये दुनिया की पांचवीं बड़ी इकोनॉमी बन चुकी है $3.9 trillion के जीडीपी के साथ। और कहा यह जा रहा है कि 2029 तक ये जीडीपी $6.4 trillion से पहुंच चुका होगा। शायद यही वजह है कि थ्रू आउट द डिकेड हिंदुस्तान भर में मोदी जी की पॉपुलैरिटी बहुत बढ़ती गई है और आम राय यही है कि मोदी जी हिंदुस्तान को तरक्की की उन ऊंचाइयों पर पहुंचा रहे हैं कि जहां पाकिस्तान शायद अगले 100 साल तक न पहुंच पाए। आज भारत G20 देशों के समूह में फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है। मगर क्या जिस तरह इंडिया की इकोनॉमी ग्रो कर रही है, क्या उसका एक आम शहरी भी उतना ही ग्रो कर पा रहा है? अब अमीर अमीर ही होएगा, गरीब गरीब ही रहेगा। अभी गरीब लोग अमीर का क्या बराबरी कर सकते हैं? ऑक्सफैम इंटरनेशनल के मुताबिक इंडिया की 10% पॉपुलेशन इसकी 77% नेशनल वेल्थ को होल्ड करती है। फ्रेंच इकोनॉमिस्ट थॉमस पिकेटी के मुताबिक इंडिया का इस वक्त का इनकम इनइक्वालिटी रेट ब्रिटिश राज के टाइम से भी ज्यादा है, यानी अमीर आदमी अमीर तर होता जा रहा है और गरीब गरीब तर। साल 2000 में इंडिया में टोटली 9 बिलियनर्स थे और साल 2017 में इंडिया में बिलियनर्स की तादाद 101 तक पहुंच चुकी थी और इस वक्त ये तादाद 271 तक पहुंच चुकी है, जिनमें से 94 बिलियनर्स ऐसे हैं जो कि सिर्फ साल 2023 में बिलियनर बने। यानी ये इकोनॉमिक ग्रोथ दरअसल उस 1% की इकोनॉमिक ग्रोथ है कि जो 22% से ज्यादा नेशनल वेल्थ पर काबिज लोग हैं। इसका हिंदुस्तान के एक आम शहरी को कोई फायदा नहीं हो रहा। एक तरफ तो हजारों करोड़ की शादियां हो रही हैं और दूसरी तरफ उसी मुल्क में 35 करोड़ से ज्यादा लोग रोजाना रात को भूखे सो रहे हैं। साल 2018 में हिंदुस्तान में भूखे सोने वालों की तादाद 19 करोड़ थी और साल 2022 तक ये तादाद 35 करोड़ तक जा चुकी थी। दुनिया की पांचवी बड़ी इकोनॉमी ग्लोबल हंगर इंडेक्स की 2023 की रिपोर्ट के मुताबिक 125 में से 111वीं पोजीशन पर है। हालांकि पाकिस्तान की भी पोजीशन कुछ अच्छी नहीं है, लेकिन हिंदुस्तान उससे भी नीचे है। यानी ये सिर्फ कुछ ऐसे ममालिक से ही ऊपर है कि जिनमें या तो पॉलिटिकल अनरेस्ट है या फिर सिविल वॉर या जंग की सूरत हाल बनी हुई है। अब मोदी जी के भक्त बोलेंगे कि भाई हमारी भूख छोड़ो, अपना हाल देखो। तो मैंने तो पहले कह दिया कि हमारा हाल तो है नहीं खराब, लेकिन आपकी $3.9 trillion की इकोनॉमी के बावजूद भी हालात हमसे कुछ अच्छे नहीं है। सरकार किसान लोग का नहीं सुनती तो मेरा क्या सुनेगी? उसका खाने का गुजारा नहीं होता है तो आगे सपना क्या देखेगा? मोदी जी के भारत में और पाकिस्तान में कोई ज्यादा फर्क नहीं है। दोनों जगह ही आवाम का बुरा हाल है और एक स्पेसिफिक एलीट की अयाशियां जारी है। फिर हम पाकिस्तान में खवातीन के राइट्स, उनके खिलाफ होने वाले क्राइम और मुख्तलिफ जगहों पर जो उनको जेंडर डिस्क्रिमिनेशन फेस करनी पड़ती है, उसके बारे में भी बहुत बात करते हैं। लेकिन आज जरा ये भी देख लेते हैं कि मोदी जी के भारत में खवातीन के क्या हालात। NCERB के डाटा के मुताबिक मोदी जी की गवर्नमेंट के अंडर साल 2022 तक 35 लाख से ज्यादा केसेज रिपोर्ट हुए थे क्राइम अगेंस्ट वुमेन के, और हर घंटा कम अज कम 51 केसेज रिपोर्ट होते हैं क्राइम अगेंस्ट वुमेन के पूरे इंडिया में। अभी ये सिर्फ रिपोर्टेड केसेज की बात हो रही है, जबकि हमें पता है कि मेजॉरिटी केसेस इस तरह के हमारी सोसाइटी में रिपोर्ट किए ही नहीं जाते। लेकिन जो केसेस रिपोर्ट हो भी रहे हैं, उन पर आपकी सरकार का रिस्पांस क्या है? हथरस गैंग रेप में आपकी सरकार विक्टिम की बॉडी से सबूत मिटाने के लिए उसकी फैमिली को बताए बिना ही उसका अंतिम संस्कार कर देती है। फिर ऐसे ही बिल्किस बानो रेप केस के 11 मुलजमान को न सिर्फ बाइज्जत बरी कर दिया जाता है बल्कि मालाएं भी पहनाई जाती हैं। वुमेन एम्पावरमेंट की आप बातें करते हैं और कर्नाटका में मुस्लिम लड़कियों के हिजाब पहनने पर पाबंदी लगा देते हैं, यानी उनको अपनी मर्जी से अपने मजहब को प्रैक्टिस करने की भी इजाजत नहीं है। फिर 2019 के लोकसभा इलेक्शन में आपकी पार्टी में खवातीन कैंडिडेट्स की तादाद 12% थी। ये कर रहे हैं आप खवातीन को एम्पावर करने के लिए। हम अक्सर पाकिस्तान में रिलीजियस माइनॉरिटीज पर होने वाले जुल्म की बात करते हैं और इसको क्रिटिसाइज भी करते हैं, लेकिन आप जरा देखते हैं कि इंडिया का अपनी रिलीजियस माइनॉरिटीज से कैसा सुलूक है। जामिया के गद्दारों को गोली मारो सालों को। ह्यूमन राइट्स वॉच की रिपोर्ट की माने तो साल 2015 से 2018 के दरमियान 100 से ज्यादा होम वायलेंस के वाकयात देखे गए हैं पूरे इंडिया में, जिनमें 44 लोगों को गाय का गोश्त खाने के इल्जाम में कत्ल कर दिया गया और तकरीबन 280 से ज्यादा लोग जख्मी हुए। A rumor that he was carrying beef. फिर
फिर 2020 में होने वाले दिल्ली राइट्स भी आप सबने देखे हैं, जब सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट के खिलाफ एहतजाज की वजह से बेशुमार मुसलमान घरों पर हमला किया गया, वो भी बीजेपी लीडर कपिल मिश्रा की जेर निगरानी। आई एम प्राउड ऑफ व्हाट आई डिड ऑन 23rd ऑफ फेब एंड इफ इट हैपेंस लाइक दैट अगेन आई विल डू दैट अगेन। फिर इसी तरह झारखंड में तबलीग अंसारी को किस तरह लोगों ने मारा और जय श्री राम बोलने के लिए मजबूर किया, ये भी आप सब लोगों को याद होगा। अब कुछ लोग इस सब के काउंटर में प्रियंका कुमारा और जड़ावाला के वाकये का रेफरेंस देंगे, तो उनको मैं कहता चलूं कि हम तो हैं ही इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान और हमारी इस एक्सट्रीमिस्ट माइंडसेट के पीछे तो 70 सालों की ब्रेन वॉशिंग है जिसके जिम्मेदार हमारे गुज़िश्ता और मौजूदा अरबाब इख्तियार हैं। लेकिन आप तो रिपब्लिक ऑफ इंडिया हैं और दुनिया की दूसरी बड़ी डेमोक्रेसी होने का दावा करते हैं, फिर आपको इस तरफ किसने लगा दिया? फिर आपकी इस सेकेंड लार्जेस्ट डेमोक्रेसी में ओपोजिशन लीडर्स को हरेस किया जाता है, उन पर झूठे केसेस बनाए जाते हैं, पेगासस सॉफ्टवेयर इसराइल से मंगवाकर ओपोजिशन लीडर्स, एक्टिविस्ट, जर्नलिस्ट और यहाँ तक कि जजेस तक की जासूसी करवाते हैं। Exactly what we see in Pakistan's politics as well. 2017 में जब पीएम मोदी इसराइल गए थे तब $2 अरब का रक्षा सौदा हुआ था और इसी सौदे में पेगासस को लेकर भी डील हुई थी। यूपी के मुख्यमंत्री हो या और कोई हो, बीजेपी के मुख्यमंत्री के ऊपर भी निगरानी चल रही है, सबको मालूम है। फिर 154 जर्नलिस्ट को अब तक गिरफ्तार किया जा चुका है और 194 वाकयात जर्नलिस्ट पर हमलों के देखे गए हैं पूरे इंडिया में। वैसे हिंदुस्तानी व्यूअर्स जरा कमेंट में मुझे बताना कि काली वीगो इंडिया में घूमती है क्या। खैर, कमेंट से याद आया, अभी कुछ दिन पहले की मेरी एक वीडियो पर बहुत से कमेंट्स थे कि मोदी जी की कोई फाइनेंशियल करप्शन दिखाए। भाई कहां से दिखाऊं जब आप कुछ बाहर ही नहीं आने देते, कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं, अगर कोई करप्शन का केस कभी पीएम साहब पर फाइल हो भी जाए तो कोर्ट किसी न किसी बहाने से उसे डिसमिस कर देती है। मिसाल के तौर पर रिपोर्टर्स अखबार की 2017 की न्यूज देखें, जब एंटी करप्शन लॉयर प्रशांत भूषण ने सुप्रीम कोर्ट में केस फाइल किया और मोदी जी को एक्यूज किया कुछ सस्पिशियस पेमेंट्स रिसीव करने के लिए, हालांकि उन्होंने रिटर्न रिकॉर्ड दिखाया कि 2013-14 में गुजरात के सीएम यानी नरेंद्र मोदी ने $5.9 मिलियन की कैश पेमेंट्स रिसीव की थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इस पर इंक्वायरी तक बिठाना जरूरी समझी। अब ऐसे में क्या ही फाइनेंशियल करप्शन साबित हो? लेकिन बात यह है कि अकाउंटेबिलिटी ना होना या ना होने देना ही करप्शन की सबसे बड़ी दलील है। एक चाय वाले के बेटे के लिए 1 करोड़ की रेंज रोवर, 10 लाख का सूट और 1.5 लाख के सनग्लासेस और वॉचेस शायद आसमान से उतर गए, या फिर उन्होंने ये पैसे कमेटियां डालकर इकट्ठे कर लिए। खैर दोस्तों, करप्शन कहां नहीं होती और बीइंग अ पाकिस्तानी मेरा बनता भी नहीं है किसी दूसरे की करप्शन को क्रिटिसाइज करना, लेकिन बात करने का मकसद सिर्फ ये है कि आप इतना समझ लें कि इंडिया भी उस पटरी पर सवार हो चुका है जिस पर पाकिस्तान 70 साल से चल रहा है। अब फाइनेंशियल करप्शन तो एक तरफ, लेकिन मोदी जी की मॉरल करप्शन का क्या करें? आप कहा करते थे कि किसानों पर खुदकुशी की नौबत नहीं आएगी और हालात ये हैं कि ऑन एन एवरेज 30 किसान रोज खुदकुशी कर रहे हैं। आप हमारे किसान को आत्महत्या करने की नौबत ना आए, हमारे किसान को कर्ज लेना ना पड़े, साहूकार के घर जाना ना पड़े, ये मोदी जी आज से 10 साल पहले कह रहे हैं। अब जरा 2022 में खुदकुशी करने वाले एक किसान दशरथ लक्ष्मण का सुसाइड नोट सुनिए। हमारे पास पैसे नहीं है, साहूकार इंतजार करने को तैयार नहीं है, हम क्या करें, हम अपनी प्याज को बाजार तक नहीं पहुंचा पा रहे, आप सिर्फ अपने बारे में सोच रहे हैं मोदी साहब, आपको हमारी फसल की जमानत शुदा कीमत देनी चाहिए थी। फाइनेंस वाले धमकाते हैं, कोऑपरेटिव सोसाइटी के अफसर गालियां देते हैं, हम इंसाफ के लिए कहां जाएं? आज मैं खुदकुशी पर मजबूर हूं सिर्फ आपकी वजह से, आपकी वजह से किसान खुदकुशी पर मजबूर है मोदी जी, और ये मैं नहीं आपके मुल्क के किसान कह रहे हैं। आपने उनके खिलाफ काले कानून तो पास किए ही, फिर उनसे किया हुआ कोई भी वादा पूरा नहीं किया। हमारा एक किसान, एक नौजवान इनकी गोली से या किस तरीके से कोई शैल बजा है वो पता करेंगे जाकर, वो शहीद हो गया। खैर बेचारे किसानों से किए हुए वादे तो आपने क्या पूरे करने थे, आपने तो कोई भी वादा पूरा नहीं किया, फिर चाहे वो 2 करोड़ नौकरियों का हो या ब्लैक मनी वापस लाने का या माइनॉरिटीज को प्रोटेक्शन देने का। एक तरफ आप माइनॉरिटीज को राइट्स और उनको प्रोटेक्शन देने की बात तो करते हैं, लेकिन दूसरी तरफ आप इलेक्ट भी अपने एंटी मुस्लिम स्टांस की वजह से ही हो। पहले जब उनकी सरकार थी उन्होंने कहा था कि देश की संपत्ति पर पहला अधिकार मुसलमानों का है, इसका मतलब ये संपत्ति इकट्ठी करके किसको बांटेंगे, जिनके ज्यादा बच्चे हैं उनको बांटेंगे, घुसपैठियों को बांटेंगे। क्या आपकी मेहनत की कमाई का पैसा घुसपैठियों को दिया जाएगा, आपको मंजूर है ये?
ये कांग्रेस का मैनिफेस्टो कह रहा है। दोस्तों मोदी जी के झूठे वादों की लिस्ट तो बहुत लंबी है, लेकिन हमारी वीडियो की लेंथ इतनी लंबी नहीं हो सकती। खैर, इस पूरी बात का मकसद ये था कि हिंदुस्तान के लोगों को यह समझाया जाए कि आप भी वही गलती ना करें जो पाकिस्तानी 70 सालों से करते जा रहे हैं। मैं अक्सर ये बात करता हूँ, पाकिस्तान की पस्ती की वजह यही है कि यहाँ के लोगों के जहनों में हिंदुओं के खिलाफ नफरत के बीज होकर उनका ध्यान असल मसाइल से हटा दिया जाता है, और इसी तरह आज आपको एंटी मुस्लिम सेंटीमेंट्स बेचे जा रहे हैं। इससे होगा सिर्फ ये कि पाकिस्तान ने जहाँ पहुँचने में 70 साल लगाए हैं, आप बहुत ही कम वक्त में वहाँ पहुँच जाएंगे। तो अपने वोट का सही इस्तेमाल करें और ऐसे पॉलिटिशियंस को वोट दें जो आपके सही मसाइल को एड्रेस कर रहे हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इसको लाइक करें, और अगर मेरी किसी बात से इख्तलाफ है तो तमीज़ के दायरे में रहते हुए मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताएं। अल्लाह हाफिज़।